सो हे गाइस, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो पोको F2 का। और गाइस, पोको F2 कब लॉन्च होगा, क्या कुछ प्राइसिंग होगी, क्या कुछ स्पेक्स होगा, बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे थे। और भाई, अब ये चीज़ क्लियर होती हुई दिख रही है कि हाँ, पोको F2 लॉन्च हो सकता है, पोको F2 अभी भी जिंदा है। और क्या कुछ प्राइस होगी, क्या कुछ स्पेक्स होगा, कब तक इंडिया के अंदर आएगी, सब कुछ सामने निकल कर आ चुकी है। कैसे तो आपको बता दूं भाई, चाइना के अंदर भी रिसेंटली रेडमी का K40 सीरीज लॉन्च हुआ है, जहां पर आपको कुल 2 से 3 डिवाइस देखने को मिले हैं। और भाई, यही सेम डिवाइस सिंगापुर के वेबसाइट पर लिस्टेड हुआ है पोको F2 नाम से। तो आप कंफर्म कह सकते हो कि यही डिवाइस, यानी रेडमी K40 डिवाइस हो सकता है आपको पोको F2 नाम से बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर और ग्लोबली देखने को मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि रेडमी K40 अगर पोको F2 नाम से इंडिया के अंदर आता है तो क्या कुछ स्पेक्स रहेंगे, क्या कुछ प्राइस होगी, और कब तक ये डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए सब कुछ डिटेल में जानते हैं, उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें इस डिवाइस के ओवरऑल स्पेक्स को लेकर ना, तो पहले ही बता दूं जो कुछ स्पेक्स निकल कर आया ना, बहुत ही अमेजिंग है। और अगर पोको F2 में सारे स्पेक्स आ जाते तो एक बहुत ही कमाल की चीज हो जाएगी। जहां पर अगर सबसे पहले हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस को लेकर, तो पहले लीक्स निकल कर आ रही थी कि पोको F2 जो डिवाइस होगा वो 4G के अंदर आएगा, तो ऐसा नहीं है, ये एक 5G डिवाइस होगा। स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट हो जाता है इस प्राइस के ऊपर। सो परफॉर्मेंस वाइज आपको इस फोन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और एक एग्रेसिव प्राइस के साथ में आने वाला है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जहां पर इस फोन की जो डिस्प्ले है वो भी बहुत ही अमेजिंग है, मतलब इस प्राइस के ऊपर आपको 6.67 इंचेस की एक डिस्प्ले साइज मिलेगी, जो कि एक E4 एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है। और यही नहीं, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है इस प्राइस के ऊपर, कोई भी फोन नहीं दे रही, कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही। सो टच रिस्पॉन्स या फिर ओवरऑल आपको रिफ्रेश रेट से जो स्मूथनेस देखने को मिलेगी डिस्प्ले के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। और यही नहीं, डिस्प्ले के अंदर आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होगा। और ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करें, तो इस प्राइस के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई भी फोन ऐसा डिस्प्ले प्रोवाइड करा रही है। बाकी इसके अलावा गाइस, जो लोग पोको F1 यूज कर रहे हैं ना, उनको पता है कि वो डिवाइस कितना ज्यादा हैवी है, और पोको के फोन कितने ज्यादा हैवी होते हैं, जो फॉर्म फैक्टर होता है काफी लंबा चौड़ा और एक मोटा डिवाइस होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन पोको F2 अगर रेडमी K40 होता है ना, तो ऐसे में जो इसकी डिजाइन है, जो ओवरऑल इसका वेट है, वो काफी कमाल का है। यहाँ पर काफी स्लिम डिवाइस आप बोल सकते हो, जहां पर आपको 7.8mm की थिकनेस देखने को मिलती है, 196 ग्राम के करीब इसका वेट आता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको बैक और फ्रंट में साथ में ही मिलती है। सो ओवरऑल गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में इतना कमाल का डिजाइन और इतना कमाल का वेट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। जहां पर आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा लेंस ही मिलता है, प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, जो कि है सोनी IMX582 सेंसर, जो कि आपको रेडमी के K20 प्रो के अंदर देखने को मिला था। तो इमेज क्वालिटी आपको कमाल की देखने को मिल जाएगी। साथ में यहां पर ट्रिपल कैमरा लेंस है, तो जो बाकी लेंसेज है वो है 8 मेगापिक्सल का एक और लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक लास्ट लेंस। बाकी फ्रंट साइड में आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा पोको F2 के अंदर। जहां पर अगर बैटरी की बात करें, तो 4520mAh यानी 4520mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में। जहां पर अगर रैम और स्टोरेज की बात करें, तो इस स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ में आता है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन, और यहां पर आपको एक लास्ट ऑप्शन देखने को मिलता है 8GB रैम, 256GB स्टोरेज ऑप्शन। जहां पर अगर स्टोरेज और रैम टाइप की बात करें, तो LPDDR4X रैम टाइप मिलती है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। सो अगर परफॉर्मेंस को देखें, तो वो भी आपको अच्छी मिलती है, साथ में Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है। और यही नहीं, इस प्राइस के ऊपर आपको स्टूडियो स्पीकर्स Dolby Atmos के साथ में देखने को मिलता है। और फोन का अगर आप लुक देखो, तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गाइस, अगर स्पेक्स को देखें ना और इसके प्राइसिंग को देखें, तो मैं कहूंगा अगर ये फोन पोको F2 के नाम से इंडिया के अंदर आता है, तो एक धमाकेदार ऑप्शन हो जाएगा। जहां पर गाइस, चाइनीज प्राइस को अगर कन्वर्ट करें 6GB रैम, 128GB स्टोरेज ऑप्शन इसके बेस वेरिएंट के साथ में, तो ये स्मार्टफोन आपको ना इंडिया के अंदर अंडर 25 के देखने को मिल सकता है, यानी 25,000 के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। जहां पर अगर ये फोन स्नैपड्रैगन 870 5G चिपसेट के साथ में, एक कमाल के डिस्प्ले, कमाल का बैक पैनल और ओवरऑल सारी स्पेक्स बहुत ही कमाल के अगर इस प्राइस के ऊपर लॉन्च हो जाता है, तो बहुत ही धमाकेदार ऑप्शन हो जाएगा। और पोको F1 जैसा ही ये डिवाइस भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाने वाला है। बाकी गाइस, आपके कहते हो क्या ये डिवाइस पोको F2 नाम से आना चाहिए इंडिया के अंदर, क्या कुछ प्राइसिंग होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग इस फोन की, नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आओ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।